श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कभी ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी है, ये सामने चरण करें दर्शन सबने। ये दो सामने जो चरण है इसके बीच में सुख सुंदरी है। कभी कभी विशेष कोई अवसर आए, सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या कोई विशेष प्रदोष का दिन पड़ जाए और आपको लग रहा हो कि मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया और सुख सुंदरी को चढ़ाया, सदानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया, शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए। और सरल भाषा में समझ लो इसको, किसी किसी माता को आपने देखा होगा, किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो शिव मंदिर में जाता है, शिव जी को भले जल नहीं चढ़ाता है पर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर इतनी सफाई कर देता है, जहां शंकर भगवान का कहीं बेलपत्र वगैरह पड़ा हुआ है उसको उठाएगा, बीनेगा, फिर यहाँ से धोएगा, श्रृंगार करेगा, यहाँ से साफ करेगा, साफ करके जो पानी जा रहा है वहां साफ करेगा, साफ करके एकदम क्लीन करके फिर शंकर भगवान को पोंछ कर स्नान कराकर जल चढ़ाकर फिर उनका श्रृंगार करता रहता। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ, आपने भी करा होगा, ऐसा नहीं कि नहीं करा। कभी कभी सबदूर सफाई के बाद शिवलिंग की सफाई करना भूल गया या शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाना भूल गया, जल चढ़ाकर आ गया, अब आ तो गया पर चिंता देवदिदे महादेव को लग गई। मेरा था, भक्त था, उपास करता था, शिवरात्रि का व्रत करता था, पशुपति व्रत करता था, सोमवार सावन के करता था, 16 सोमवार करता था, पर आज इसको ना जाने क्या हो गया कि ये मेरे ऊपर जल ना चढ़ाकर सब दूर जल चढ़ाकर चले गया। देवदी देव माता पार्वती जी से कह देते हैं, सुन पार्वती, अगर कोई भूल अवश्य भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है। ये शिव कह रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता। गुरु जी ने बहुत ही सुंदर उपाय बताया। आगे वीडियो शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह वीडियो को करें लाइक, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज के उपाय की बात करते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है और आपने महादेव को खुश करने के लिए बहुत उपाय कर लिए, आपने प्रदोष व्रत भी कर लिया, आपने पशुपति व्रत भी कर लिए, आपने समी पत्थर, बेल पत्थर, चावल, शहद आदि आदि सभी उपाय कर लिए, फिर भी महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आप एक बार आज का उपाय जरूर करें। महादेव को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। इस उपाय के लिए हमें अपने घर से एक लोटा जल लेकर महादेव के मंदिर जाना है। हमेशा की तरह सबसे पहले जल गणेश जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, और फिर माता पार्वती के हस्त कमल के ऊपर जल चढ़ाना। माता के हस्त कमल पर जल चढ़ाने के बाद बचा हुआ जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है। वैसे तो हमेशा हम माता के हस्त कमल के ऊपर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय में शिवलिंग पर जल बिल्कुल नहीं चढ़ाना। माता के हस्त कमल के ऊपर जल चढ़ाने के बाद बाकी बचा हुआ जल हमें बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाना है,
गुरु जी कहते हैं कि ऐसा करने से आप महादेव की नजर में आ जाएंगे और महादेव माता पार्वती से कहकर आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे। अंत में हमेशा की तरह आपसे कहना चाहूंगा कि अगर गुरु जी के बताए गए उपाय से आपको किसी भी प्रकार का लाभ हुआ है तो कृपया कमेंट में आकर पूरे नाम के साथ और पूरे एड्रेस के साथ आपको किस उपाय से क्या लाभ हुआ है जरूर बताएं। अगले वीडियो में आपके कमेंट को पूरा दिखाऊंगा। ऐसा करने का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग सके कि कौन से उपाय से क्या लाभ होता है। आज के वीडियो में इतना ही। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम।